हेलो फ्रेंड्स, फ्रीजर एक्वेरियम आपका स्वागत करता है आपके पेट शॉप का साथी सिंस 1998 से, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज, एक्जॉटिक फिश की वैरायटीज है, जैसे रेडटेल गोल्डन अरवाना, पर्ल अरवाना, डिस्कस, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो रोज अवेलेबल हमारे पास नई नई फ्रेश वैरायटीज आती है। और कैट फूड में भी बहुत सारी वैरायटीज है, जैसे म्याओ ब्रांड है, रॉयल कैनिन है, विस्कस है, रूल्स है, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो हमारे पास अवेलेबल है और विथ डिस्काउंट्स। और इसके लिए आपको हमारी शॉप पे आइए, एक बार विजिट करिए और उसका फ़ायदा उठाइए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि मुमरा कौसा में स्कूल की फीस माफी को लेकर जिस तरह से जनता ने आवाज़ उठाई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं एनसीपी पार्टी ने इस पर एक पहल शुरू की। मुमरा कौसा फीस रेगुलेशन कमेटी का गठन किया और स्कूल कॉलेज में 3 महीना की फीस जो है लॉकडाउन की माफ़ करने के लिए अपना एजेंडा दिया और उन स्कूलों के तरफ से भी उन एजेंटों पर सहमति जताई गई है। अब तक जो है टोटल 69 स्कूल कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने 3 महीने की फीस माफ़ की है। आज इसके लिए जो है, और ख़ास तौर पर जो स्कॉलरशिप दी जा रही है उसके लिए भी यहाँ एनसीपी के पार्टी कार्यालय पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है आयोजन किया गया था। हमारे साथ कलवा मुमरा के अध्यक्ष शमीम खान मौजूद हैं, उन्हें से बात करते हैं। शमीम भाई, जिस तरह से आप लोगों ने जो एजेंडा तैयार किया था, इस पर 69 स्कूलों ने फीस जो है माफ़ करने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ स्कूलें ऐसे हैं कि जो बाकी हैं, आप लोग वहाँ गए ही नहीं। मैं प्रहार टाइम्स के माध्यम से अपनी आवाम को बताना चाहता हूं कि गए महीने में 3 तारीख को हम लोगों ने डायमंड हॉल में एक मीटिंग ली थी, जिस मीटिंग में हमारे भाई सैयद अली अशरफ भाई साहब, रोता भाभी, शानू पठान साहब और हमारे बहुत सारे स्कूल के 78 स्कूल के प्रिंसिपल और ट्रस्टीज मौजूद थे। लेकिन ये जो मीटिंग लगाई गई थी, ये हमारे नेता माननीय डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब के आदेश अनुसार ये मीटिंग लगाई गई थी, जिसमें हम लोगों ने वहाँ पे तमाम उन स्कूल के ट्रस्टियों से रिक्वेस्ट किया था कि आज की कोरोना की महामारी को देखते हुए आप लोग कुछ ऐसा रास्ता निकाल दें, कुछ ऐसा सजेशन हमारा है कि आप 3 महीने की फ़ीस को माफ़ कर दें, आप लोग जो है कोई अदर चार्जेस मत लें, क्योंकि जब बस चालू नहीं है तो बस की फ़ीस बनती नहीं है, जब बस चालू नहीं है, जब स्कूल फिजिकल चालू नहीं है तो फिर आप जो कराटे की या जो एक्स वाई जेड आप फीस देते हैं वो बनती नहीं है, तो इसमें आप भी कुछ अपना बड़ा दिल दिखाएं। तो उन्होंने हम लोगों से वक्त लिया था। उसके बाद हम मंत्री जी के साथ 5 बार बैठे और 5 बार बैठने के बाद मंत्री जी की तरफ से ये रिक्वेस्ट लेटर तैयार किया गया। ये रिक्वेस्ट लेटर को तैयार करने में हमें कम से कम 5 से 6 दिन लगे। मंत्री जी ने इसको बार बार देखा, बार बार करेक्शन करा करके इसको फाइनलाइज कराया और अल्लाह का एहसान है कि उन्होंने, मंत्री जी ने मुंतखब किया एक मुमरा कौसा एजुकेशनल फीस सॉल्यूशन कमेटी किया, जिसमें रूता अवार्ड भाभी हमारी जो संघर्ष की महिला प्रेसिडेंट हैं, सैयद अली अशरफ भाई साहब जो एक्स मेंबर माइनॉरिटी कमीशन के हैं, और मैं खुद शमीम खान और मेरे भाई शानू अशरफ पठान साहब और शादाब खान सर और रफीक कामदार जी, ऐसे कमेटी मंत्री जी ने बनाया, गठित किया। और उसके बाद हम लोगों ने आपके माध्यम से, क्योंकि मीडिया का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा इसके अंदर, जो ये 69 स्कूल कॉलेज के लोगों ने फीस को माफ़ किया है, अगर मैं इसको भूल जाऊं और ना कहूं तो बेईमानी होगी। तो 69, और आप भी मौजूद रहते थे वहां पे, इस्लामुद्दीन भाई, रफीक कामदार साहब, आप लोग, हुसैन भाई, यूसुफ भाई और तमाम पत्रकार भाई मौजूद रहते थे। तो इस तरीके की जो ये कमेटी बनाई गई, ये कमेटी एक एक स्कूल और कॉलेज में जाकर के प्रिंसिपल से मीटिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने खुद आप लोगों के माध्यम से बाइट दिया, आप लोगों ने भी चलाया और 69 स्कूल कॉलेज के लोगों ने अब तक माफ़ कर दिया है। 11 लोग बचे हैं, 11 लोग भी इंशाल्लाह माफ़ कर देंगे। लेकिन आपने एक बात कहा कि भाई बहुत सारे स्कूल कॉलेज के लोगों में कहीं ना कहीं कंप्लेन का मौका आ रहा है, तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विनंती करता हूँ कि अगर आपने इसको मान लिया है मंत्री महोदय के इस एक प्लान को, जो उन्होंने आज की महामारी को देखते हुए, परेशानी को देखते हुए, शमीम खान के बच्चे की फीस माफ नहीं करना आपको, शानू पठान के बच्चे की फीस माफ नहीं करना आपको। आपको भाई बात सुनिए, जो स्कूल आपके एजेंडे पर सहमति जताए हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं कि वो आप लोगों के सामने कह रहे हैं कि हाँ हमने माफ कर दिए और उनसे बोल रहे हैं आप पूरी फीस दीजिए। देखिए, अगर ऐसा कोई है तो उसका नाम बताइए हमें, आप नाम बताइए इस्लामुद्दीन भाई,
मैं वादा करता हूँ आपके माध्यम से। नहीं तो आप लोग बोलते हैं कि हम लोग एनसीपी पार्टी में शमीम खान को भी फोन लगाते हैं, फोन ही नहीं उठाते। नहीं, नहीं, माफ कीजिएगा सर, करते हैं। माफ कीजिएगा सर, अल्लाह का एहसान है। नहीं तो अगर स्कूल वाले पूरी फीस मांग रहे हैं तो लोग शिकायत लेकर कहाँ जाएंगे? आपने सवाल किया है तो जवाब मुझसे ले लीजिए कि आपने कहा कि शमीम खान फोन नहीं उठाते। इस्लामुद्दीन भाई, अल्लाह का एहसान है कि मैं कोई अगर मिस कॉल भी रहा तो बैक कॉल करता हूँ, कभी अगर नहीं उठा पाया तो। रही बात ये, मुझे पूरी उम्मीद है उन स्कूल और कॉलेज के लोगों से, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ असदुल्ला खान सर को, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पप्पू सर को, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अगर स्कूल जो पेरेंट्स है अगर वो फीस स्कूल पूरी मांग रहे तो शिकायत लेकर कहाँ जाएं? हम बता रहे सर आपको, आपने सवाल किया तो हम बता रहे हैं। देखिए, अगर कभी किसी एक दो स्कूल ने ऐसी गलतियां की होगी जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास शिकायत आई, प्रहार टाइम्स के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर कोई कंप्लेन पेरेंट्स को हो तो आप इस विधानसभा कार्यालय ऑफिस में आए, आप हमारे जो नगर सेवक आपके वार्ड में हैं, रियान भाई पीतलवाला है, अश्विन मैडम है, राजन किने जी हैं, जो भी हमारे शानू भाई हैं, खुद कमेटी में हैं, आप हमारे विधानसभा कार्यालय पे हमारे लोग बैठे हुए, शोएब खान है, मुन्ना चोगले हैं और इस तरीके से इसरत है, ये सब बैठ करके यहाँ, बबलू शिमना है, जावेद शेख मेडिकल हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट है, ये लोग यहाँ बैठ करके पूरा देखभाल कर रहे हैं। हम खुद उस स्कूल में आएंगे और आके बात करेंगे और मैं आप फिर कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आप ये मत भूलें, हमारी पूरी वाचिंग है आपके स्कूल के ऊपर कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप वादा करके और आप नहीं करते हैं तो मैं एकदम साफ कहना चाहता हूं कि फिर अगर कहीं हमसे भी कोई गलती हो जाए तो आप माफ कर देना उसके लिए। आप अगर वादा किए हैं तो आप उसे पूरा करें। और मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूं कि इनके खर्चे हैं, इनके स्कूल चलाने के लिए खर्चे हैं, 2019 का अगर बकाया रकम है उसे पहले अदा करें आप। और मैं फिर एक बार इस्लामुद्दीन भाई प्रहार टाइम्स के माध्यम से उन स्कूल और कॉलेज के लोगों को, ट्रस्टियों को और उन पेरेंट्स, मैं मुमरा कौसा की जानिब से, मैं मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र दवार साहब की जानिब से, फीस सॉल्यूशन कमेटी की जानिब से, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप 69 स्कूल के लोगों ने जो फीस का मामला सॉल्व किया है, जो आपने इसे ख़त्म किया है, 3 महीने की फीस ना लेने का वादा किया है और इतनी सारी चीज़ों को माफ़ किया है, अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे और ये शहर आपका एहसान मंद रहेगा हमेशा। आपके स्कूल और कॉलेज को लेकर के मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपने अच्छा एजुकेशन दिया है अब तक और आगे भी देंगे। आप हमारे मुमरा कोसा के बच्चे IAS भी बने हैं, डॉक्टर्स भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं, अच्छे अच्छे पोजिशन पर गए हैं, वो आपकी देन है, इसी स्कूल और कॉलेज की देन है। तो आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग जो 11 लोग बगाए बाकी लोग हैं, हम आपके पास भी आएंगे, आप भी हमारी विनंती को मान लें। अगर 69 लोगों ने मान लिया है, मंत्री जी ने कभी आपसे आज तक कोई रिक्वेस्ट नहीं किया, अगर रिक्वेस्ट किया है तो उन्होंने अपनी जनता के लिए किया है और जनता का दर्द ही हमारा दर्द है। अगर जनता को तकलीफ है तो हम खुशहाल नहीं रह सकते। आप इन बातों को ध्यान दें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इशरत भाई, जिस तरह से स्कॉलरशिप की भी जो बात सामने, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट ऐसे हैं कि जो अनिवार्य होता है देने के लिए स्कूल में? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार रहूँगा हमारे डॉक्टर, कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र नवर साहब, नजीब मुल्ला साहब, सईद अली भाई साहब और मिसेस रुदा अवार्ड साहब के निर्देश अनुसार हमारे अध्यक्ष शमीम खान साहब के ऑफिस पे ये काम करीब 2 महीने से ज़्यादा नेशनल स्कॉलरशिप में किया गया। इसमें काफ़ी करीब मोर देन 10,000 पीपल्स, लोगों ने, स्टूडेंट ने शिरकत हासिल की, उनको हमने पर्सनली अटेंड किया, उनके ईच एंड एवरी पेपर्स को चेक किया। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यह आ रही थी कि पिछले लास्ट ईयर की रिजल्ट, इसमें जो अनिवार्य है आधार कार्ड बच्चे का होना चाहिए और लास्ट ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए और उनका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जो लेस देन 1 लाख के नीचे और क्राइटेरिया के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए लेस देन 2 लाख का होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए। तो हमने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट की कि जाके उनको बताया किस तरह से इनकम सर्टिफिकेट बनाया जाए। उसी तरह हमारे नगर सेवक शानू पठान साहब ने कैंप लगाया इसके लिए, वो करीब 1 हफ्ता कैंप रहा और उन्होंने मोर देन 300 डॉक्यूमेंट्स भी बांटे जो डायमंड हॉल में रहा। तो ऑल टुगेदर में ही कहूँगा कि काफ़ी अच्छा वर्क रहा और हम लोग शमीम खान साहब की सहयोग से, मैं माइनॉरिटी प्रेसिडेंट होने की हैसियत से कहूँगा कि लोगों के हित के लिए हमेशा हम लोग खड़े हैं और इस तरह के कैंप कंटिन्यू करते रहेंगे। आने वाला वक्त जो है ये कहेगा कि इसमें लोगों को लाभ काफ़ी मिलेगा और इस साल काफ़ी लोगों ने इसका फायदा उठाया। तो
आपने सुना है जिस तरह से 3 महीने की स्कूल कॉलेजों ने जो फीस माफ की है, शायद मुमरा कौसा में ही ये पहल सबसे ज्यादा रंग लाई है और 3 महीने की फीस माफ की। लेकिन जिस तरह से पेरेंट्स जो है लगातार शिकायत कर रहे थे कि जिन स्कूलों ने इनके एजेंडे पर सहमति जताई है वो स्कूल भी पूरी फीस मांग रहे हैं, अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप एनसीपी के कार्यालय पर आए या शमीम खान से संपर्क करें या जो स्थानीय आपके नगर सेवक हैं उनसे भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। कैमरामैन जफर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।